कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। रूस गए, वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा यह नहीं हो सकता, भारत की कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, प्राथमिकताएं गलत थी। उपसभापति जी 17 वर्ष तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पद को सुशोभित किया, लेकिन तब क्या होता था, अमेरिका से PL-480 सड़ा हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पर विवश और मजबूर होना पड़ा। माननीय उपसभापति जी, स्वर्गीय इंदिरा जी के समय मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे, उस समय किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था, जबरदस्ती लेवी वसूली जाती थी। अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल दे के जाओ। बिंडे खोद दिए जाते थे, रखा हुआ अनाज उठा लिया जाता था। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। स्वर्गीय राजीव जी ने भी बात जरूर की, उन्होंने बात अवश्य की एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए। यहां तक कि माननीय उपसभापति जी, उदारीकरण का प्रारंभ हुआ, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन उस समय भी कृषि से जुड़े उद्योगों को डी लाइसेंसिंग नहीं किया गया।